इंडिया गठबंधन के दल एक एक करके टूट रहे हैं, उनसे छूट रहे हैं। कल बिहार में तेजस्वी उनके साथ थे, अब सुनवाते हैं कि आज नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। बोलिए, बिहार में कितना बड़ा काम हुआ, अब बिहार में कितना काम हो करके एक एक आदमी की आर्थिक स्थिति का भी पता हम किए और सब करते हुए लोगों को हम मदद कर रहे हैं, तो उसकी कोई चर्चा करता है जी? कभी कोई चर्चा नहीं करता है जो यहाँ पर हो रहा है। सर, केंद्रीय स्तर पे जाते जाना होगी। हाँ, एक बात है कि मीडिया में वो कुछ भी करते रहता, उसका प्रचार होता है, तब उसमें प्रचार करता रहे। लेकिन हम तो इतना काम कर दिए, हम आग्रह करेंगे जो बिहार में इतना काम करा दिए हैं, अगर कभी कभी ध्यान दीजिए, बिहार वाला भी अगर मीडिया में नहीं आता है तो सोशल मीडिया में डलवा न दीजिए कितना बड़ा बड़ा काम हुआ। हम तो बड़ी कोशिश किए थे, हम तो नाम भी नहीं दिए थे, हम तो नाम दूसरा दे रहे थे, तो लोग अपने तरफ से नाम ले लिया। हम तो उस समय, तब पहले लोग नाराज हो रहा था, हमको छोड़िए जो नाम दे दीजिए, अब चल रहा है कुछ, ऐसे ही चल रहा, खत्म हो गया था, तो हम तो ट्राई बहुत किए थे। तो उसी समय ना आपको कह दिया, जब अलग हट गए थे तो उसी समय आप लोगों को हम सब प्रेस के सामने सारी बात आप लोगों को बता दिए थे। अब मेरा काम है, हम लोग तो बिहार के हित में जो काम करते रहे करते रहेंगे, और कितना काम हो रहा है। बात बिहार की हो रही है तो थोड़ी और जानकारी वहां से आपको हम पहुंचा देते हैं। नीतीश कुमार पाला बदलते ही एक उन्होंने बड़ा फैसला लिया है, आरजेडी कोटे के मंत्रियों के सभी कार्यों की समीक्षा होगी, मतलब जो जो विभाग आरजेडी कोटे में थे उन सभी की समीक्षा होगी। तेजस्वी यादव के समेत और जो मंत्रालय और विभाग आरजेडी कोटे में थी, अब उनकी मॉनिटरिंग होगी। इसमें तेजस्वी यादव के विभागों का नाम भी शामिल है। मंत्रियों के फैसले, कार्यों की समीक्षा, ये सब कुछ होगा। आरजेडी के मंत्रियों के कामकाज का हिसाब किताब लेखा जोखा नीतीश कुमार ने आदेश जारी किए हैं। और कौन कौन से मंत्रालय, कौन कौन से विभाग थे तेजस्वी के पास? स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास, आवास, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, ये तो उनके पास थे। अब जांच, इस पर जांच की आज। और भी आरजेडी कोटे से तमाम मंत्री थे, वो भी इस सूची में है, उन पर भी जांच की आज। एक तरफ नीतीश कुमार ने पाला बदला, उसके बाद से अब जांच के आदेश, और इसको लेकर हर दिन करते हैं जी। देखिए, अगर कोई भी कहीं पर गड़बड़ी हुई है तो एक एक चीज को देख करके जांच करना तो जरूरी है ना, इसलिए हम लोग कभी कोई गड़बड़ी होने नहीं देंगे। तो हम सब दिन करते हैं जी। देखिए, अगर कोई भी कहीं पर गड़बड़ी हुई है तो एक एक चीज को देख करके जांच करना तो जरूरी है ना, इसलिए हम लोग कभी कोई गड़बड़ी होने नहीं देंगे।